कैनेडियन स्टिल लाइव। मैं हूं बलिया प्रखंड अंतर्गत मनसरपुर ग्राम में। भारत सरकार या बिहार सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे परियोजना हैं जिसके तहत किसानों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं चलती है। उसी के तहत एक योजना है आत्मा, जो कि मनसरपुर ग्राम में मुझे लगता है कि आज पहली बार उसका गठन हो रहा है। उस समूह के अधिकारी वगैरह आए हुए हैं, मैं स्वागत करूँगा। सर, विशेष रूप बताएँ क्या है ये आत्मा? ये आत्मा कृषि विभाग का जो है विभाग है, इसमें जो है आत्मा के तहत जो है किसान को प्रशिक्षण परिभ्रमण दिया जाता है। इसमें जो है नया तकनीक पे विशेष चर्चा होती है। हम लोग मनसरपुर गांव में दो समूह बनाए हैं, एक महिला का एक पुरुष का। उस समूह में 20 से 25 किसान है, उसमें हम लोग जो है उनके क्षमता संवर्धन का काम करेंगे। उनकी इच्छा के अनुसार जो वो चाहेंगे कि हम सब्जी पे या जैविक सब्जी पे या जैविक जो है खेती करें, तो वो हम लोग जो है उनको नया नया तकनीक बताएंगे, उनको बाहर ले जाएंगे, दिखाएंगे कि ये ढंग से आप लोग खेती करें, अपना आमदनी को बढ़ाएं। धन्यवाद। मतलब आत्मनिर्भर बनाने का जो उपाय है उसके तहत एक समूह बना करके वो खेती या जो भी करेंगे, सरकार के द्वारा इसमें सब्सिडी के तहत या मदद के द्वारा कुछ प्रावधान है क्या? जी, इसमें कृषि विभाग से जो है सब्सिडी है, जिसे जैविक खाद पे खेती के लिए सब्सिडी है, जो बीज है बीज के उप अनुदान है, और जो कृषि यंत्र बैंक है उसमें भी 80% अनुदान है। किसान को जो परिभ्रमण या प्रशिक्षण देंगे वो भारत सरकार या बिहार सरकार से निःशुल्क है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि गांव वगैरह में एकला चलो के सिद्धांत पर बहुत लोग चल रहे हैं, जिससे बहुत सारे कार्य रुक गए हैं। यदि ऐसे में संघ शक्ति कलयुगे की बात होती है और ये एकत्रित कर पाते हैं कुछ लोगों को, तो बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे गांव की माँ बहनों को या महिलाओं को घर से निकाल करके यदि एकत्रित कर एक जगह करके ऐसे कुछ प्रावधान बता रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं मिलाऊंगा आपसे कि आप लोग आए हैं, क्या लग रहा है, किस आशा के साथ आए हैं कि यहाँ क्या होने वाला है? अभी तो ऐसा कुछ हमको नहीं पता है, लेकिन अभी फर्स्ट बार आए हैं तो लगा कि इकट्ठा होंगे तो कुछ अच्छा चीज़ होगा। यहाँ जो काम हो रहा है वो है कि आप लोग मतलब जैसे किसान हैं, और यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं लगभग किसान के महिलाएं हैं, तो आप उनके सहयोग में आप मदद करेंगे, जैसे मशरूम की खेती कर देंगे या कुछ भी करेंगे। तो जी हाँ, वास्तविक में अच्छा चीज़ है। यदि ऐसा होता है सरकारी अनुदानों को लेने या उन्हें समझने के लिए एक विशेष व्यक्ति या समूह की जरूरत पड़ता है। मुझे लगता है आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसके बारे में, राकेश जी आप ही रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ करवाए हैं? जी जी। गाँव में क्या कब से लगे हुए हैं? चूँकि कृषि विभाग से हमको लगता है 2005-06 से ही, चूँकि खेती करते हैं तो हमारा जो है से कृषि विभाग से लगाव रहा है। लगभग हर कार्यक्रम को चाहते हैं गांव में हो, अधिक से अधिक किसान लाभ ले, और इसी संजोग में जो है से कई बार इससे पहले भी समूह के बारे में बताया गया था, लेकिन उतना एक्टिव नहीं हुए। लेकिन नए नए पदस्थापन हुए बाल मनोहर बाबू, तो ये मतलब पूरा रिक्स लेकर के ना हर हाल में आपको समूह बनाना पड़ेगा। तो बड़ी तो ये क्या बाल मनोहर बाबू आप हैं, क्या है इसका रूल, सारे गांवों में ऐसा होगा या सिर्फ यहाँ जो लोग एक्टिव हैं उनके गांव तक पहुँच पा रहे हैं आप? नहीं, हम लोग का उद्देश्य है कि हर एक पंचायत लेवल पर एक एक ग्रुप का मतलब ग्रुप बनाना, जिसमें कि हमारा जो ग्रुप का मतलब हो गया कि 21 से 22 आदमी रहते हैं। हमारा कहने का मतलब कि एक किसान के पास उतना पैसा नहीं रहता, लेकिन ग्रुप में एकता में दम होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि जो भी 20 से 22 आदमी हैं सब एक साथ मिल के एक काम को करें। जैसे कि अभी भी सरकार की तरफ से बोलता है कि आत्मनिर्भर बनने, तो हमारा क्या है कि जो भी महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, ठीक। तो उसके लिए सरकार की तरफ से जो भी स्कीम है, जो भी मदद है, वो सरकार उसको देना चाहती है गांव-गांव तक, पंचायत-पंचायत। तो हमारा स्टार्ट मनसरपुर से हुआ है, तो उसमें हम महिलाओं का ग्रुप करके उसमें एक प्रशिक्षण दे के, जैसे अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मशरूम उत्पादन पे, तो मशरूम के बारे में उनको तकनीकी जानकारी दे के उनको आत्मनिर्भर बनाना है और उनका पैसा मतलब इनकम डबल करना है। बलिया में ये पहला गांव है आपका इस प्रखंड में? नहीं नहीं, पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मनसरपुर में हम पहली बार आए हैं। जो गठन हुआ है उसके टीम को लगभग इनको एक पद मनोनीत किया गया है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उसमें से अध्यक्ष महोदय हैं, नाम आपका? अमित कुमार मेरा नाम है और बलिया प्रखंड के आत्मा अध्यक्ष हैं हम। हमारी कोशिश ये रहेगा कि बलिया प्रखंड अभी तो वर्तमान में शुरू हुआ, मनसरपुर से शुरू हुआ, तो आप? मैं बलिया प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। आप आत्मा डिपार्टमेंट से हैं?
और हमारी कोशिश रहेगा कि जिस तरह से मैं यहाँ लोगों में देख रहा हूँ कि काम करने के प्रति महिलाएं और पुरुष दोनों में जो एक उत्सुकता है वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, और हम कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट की तरफ से, हम अपने तरफ से, और मेरे पर्सनल अनुभव या फिर तकनीकी ज्ञान हो, जो कुछ भी हो, वो हम ज़रूर मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये ग्रुप आगे बढ़े और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा हुआ ये एक बेहतरीन कदम साबित हो। यदि आप प्रखंड अध्यक्ष बने हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी हर पंचायत में इसको स्थापित करना। मैं अपनी जिम्मेवारी के साथ बिल्कुल हूं, और हर एक पंचायत में मैं जाऊंगा, हर एक गांव में मैं जाऊंगा, और एक ग्रुप नहीं बहुत सारा ग्रुप बनाऊंगा, आत्मा के अंतर्गत भी ग्रुप बनाऊंगा और लोगों का एक पर्सनल भी ग्रुप बनाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरफ के लाइफ होते हैं, तो क्यों ना पर्सनल लाइफ के तहत ही, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी से सहयोग लेके ही आगे बढ़ें, अगर आप एक ग्रुप आप खुद बनाते हैं और उस माध्यम से भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको रास्ते बताने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और हम लोग आपको जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत आभार ऐसे लोगों का जो इस प्रकार से लोगों को एकत्रित करते हैं और ऐसी योजनाओं का लाभ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।